नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं भारती हूँ। इस वक्त में मैं मौजूद हूँ रोहतक के बालचंद चौक पर। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि तमाम कांग्रेसी वर्कर हैं आज मौजूद हैं, और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा मान सम्मान समारोह रखा गया है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में टैगोर ऑडिटोरियम के लिए रवाना हो रहे हैं। मैं इनसे बातचीत करता हूँ। ताऊ जी, आज हुड्डा साहब ने मान सम्मान के लिए बुलाया है, किस तरह से देख रहे हैं ये भाषण? ये ठीक है, आज हजारों ब्राह्मण शंखनाद करेंगे हुड्डा की विजय श्री के लिए, और आने वाला राज कांग्रेस पार्टी का होगा, और हम हमारे समाज से जजाति की प्रहार में हमारे जमीन को खोसने का काम किया, उन सभी मुद्दों को लेकर के भाई कुल दिवस को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए आज हम सभी इकट्ठे हुए। किस तरह से आज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या अगर राज बनता है तो हुड्डा साहब आप समाज के लिए कार्य करेंगे? हाँ हाँ, पूरी पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ हुड्डा साहब हमारे को पूरा मान सम्मान देंगे जी। आप क्या कहेंगे जी? और आप भी कुछ कहेंगे? हाँ, बस कहना क्या है, जरा हम तो एक ही बात जानते हैं, राजा प्रजा के लिए होते हैं और उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए काम करने चाहिए, बस इससे आगे तो क्या है, इसमें सभी का भला है। 10 साल का समय कैसा रहा आपका? मतलब हम इस चीज़ में कोशिश देख रहे हैं, कर रहे हैं, परेशानियां ज़्यादा हैं और बढ़ती ही जा रही हैं आगे आने वाले टाइम में। बेरोजगारी का भी काफ़ी खराब माहौल चल रहा है, बच्चे परेशान हैं, पढ़े लिखे ऐसे ही घूम रहे हैं, किसी के पास काम कुम की कोई ऐसी कंडीशन नहीं रही है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि भाई सरकार ने सोचना चाहिए हर किसी का गुजारा चले कैसे चले। अगर हुड्डा राज आता तो उम्मीदें बढ़ेंगी रोजगार की और कार्य की? हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं ना, इस चीज़ का तो देखो हम क्लियर नहीं कह सकते, वो उसकी भावना के ऊपर बात है। पहले आपने राज देखा, पहले का राज? मैं इन्हीं के राज में 10 साल गाड़ी खुद अपने हाथों से चला के मंत्री के पास रहा हूँ, जो हमारे स्पीकर भी रहे हैं 10 साल। वो आम उसके रुझान से कुछ बातें कहें तो शायद केवरा जनता को ना खुश लगे, और आने वाले टाइम में हम तो यही दुआ करते हैं, अरे किसी का एक आदमी का भला नहीं तो जनता का भला करो बस। कुलदीप वत्स को किस तरह से देख रहे हैं? कुलदीप वत्स से तो भाई साहब कभी ऐसा कोई इंट्रोडक्शन है नहीं, और बाकी नहीं है, अच्छा आदमी तो वैसे ही दिख जाता है, जनता ही बता देती है, और जब भी जनता साथ लगती है तो उसमें कोई गुण होते हैं जी। और आप देख पा रहे हैं कि पीछे देखिए तस्वीरों में काफ़ी बड़े काफिला के साथ हैं, गौतम डिगल आज पहुँचे हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे बातचीत। प्रदीप एक मिनट, अब